नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। खंडवा महापर्व छठ पूजा का विधि विधान से पूजन कर खंडवा नगर से सटकर बहने वाली आबना नदी के गणगौर घाट पर व्रती परिवारों की महिलाएं और पुरुषों ने उदय होते हुए सूर्य देवता को अर्घ देकर परिवार और पुत्र की लंबी आयु की छठ माता से वरदान हेतु प्रार्थना की। खंडवा शहर से सटकर बहने वाली आपना नदी के किनारे बने गणगौर घाट पर मूल रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तर भारतीयों और अब वर्तमान में खंडवा में निवासरत लगभग 150 परिवारों के महिला पुरुषों द्वारा प्रसिद्ध महापर्व छठ पूजा का विधि विधान से पूजन कर छठ पर्व पर माता की पूजा के लिए महिलाओं द्वारा बनाई गई गन्ने की झोपड़ी में पूजन सामग्री रखकर पारंपरिक यह मंगल गीत गाते हुए कांचीवास के बहंगियों बहंगी लचकत जाए दर्शन दीनी ना अपन ये छठी मैया और उदय होते सूर्य देवता को सुपड़े में सजाई गई पूजन सामग्री फल फूल दीपक इत्यादि सहित गंगा जल और गाय का दुग्ध से अर्घ दिया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को पहले ही पूर्ण कर लिया गया था, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमला तो वहीं जल दुर्घटना को रोकने के लिए मध्य प्रदेश होमगार्ड के गोताखोरों का एक दल नदी में सतत अपनी निगरानी बनाए हुए था। महापर्व छठ पूजा समिति के सदस्यों में SS श्रीवास्तव, अंकित शर्मा, प्रशांत शर्मा, हरेंद्रनाथ ठाकुर, अंकित सिंह, अभिषेक सिंह, माधव झा, सुभाष सिंह, किशोरी सिंह, अभिषेक सिंह और माइक से कार्यक्रम का संचालन संतोष शर्मा द्वारा किया गया। अंत में आज शनिवार को 5 दिवसीय चल रहे महापर्व छठ पूजा का समापन बड़े ही धूमधाम से हो गया। बाइट सब जगह जिलों में लगा दिया, अपने आप ही लगा देना चाहिए। सुबह 6 बजे से रात में 8 बजे तक लगा देना चाहिए। परिचय दें। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है जी। मैं यहाँ रेलवे में कार्यरत हूँ जी और यहाँ गणराज के सामने आनंद नगर में निवास है। यहाँ हम लोग अपने घर पर करते थे शुरू में। एक बार जब मैं सुपड़ा खरीदने गया जी तो देखा कि सुपड़े वाले ने बोला कि सर आज क्या बात है, हमारे बहुत सुपड़ा बिक रहा है जी, बहुत लोग ले जा रहे हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि लगता है कि यहाँ भी अपने यहाँ के लोग काफ़ी अपने अपने छतों पर करते हैं जी। तो मैंने सबको संगठित किया जी और एक ग्रुप बनाया। ग्रुप के तहत आज उसमें 150 लोग परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। और चूँकि क्या है, बाहर से बैंक में, रेलवे में, इनकम टैक्स में, हर जगह के अपने यहाँ के लोग आते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी छुट्टी नहीं मिल पाती है, इसके वजह से ये त्यौहार मनाने अपने घर नहीं जा पाते। तो हमने सोचा कि इस तरह का माहौल दिया जाए यहाँ पर कि भाई सब ऐसा अनुभव करें कि हम घर पर ही हैं जी। मैं ये पूछना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, जो महापर्व छठ माता का त्यौहार मनाया जाता है, इसका तात्पर्य क्या रहता है और किस माध्यम के लिए और किस कारण मनाया जाता है? छठ माता क्या है कि डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है जी। और जो भी मनोकामना है जी, आपने सोचा है कि हमारा ये काम हो जाए जी, अगर शुद्धि मन से करते हैं जी, तो अगले साल उसका रिजल्ट आपको अपने आप दिखता है। हमारे यहाँ इसको बहुत ही मतलब महत्व देते हैं, पूरा बिहार जो है छठमय हो जाता है। अच्छा, मैं ये भी हमारे द्वारा सुना गया है हमेशा कि ये जो पुत्र के सुख समृद्धि के लिए आपका एक बार पुनः आपका परिचय दें। हेलो, जय सचिन भैया। छठ पूजा समिति में पधारे सभी सहयोगियों का हार्दिक स्वागत है। इस समय एक आदमी आपसे चले जाइए, एक ही निकालते
ही ठंडा लग रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश वासियों का महापर्व। खंडवा से समय जगत के लिए कैमरा पर्सन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चाबरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।